फ्रेंड्स, गर्मियों में अगर ठंडी ठंडी कुल्फी खाने को मिल जाए, एकदम डिलीशियस सी, एकदम यम्मी, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसे ही कुल्फी बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए कुल्फी बनाते हैं। तो फ्राई पैन मैंने चढ़ा लिया है फ्रेंड्स, और 1 लीटर इसमें हम दूध लेंगे, और गैस का फ्लेम को हमें बहुत हाई नहीं रखना है, वरना दूध जो है नीचे नीचे से जल जाएगा। दूध में हमारा थोड़ा देर हो गई है उबलते हुए, और देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है फ्रेंड्स। इसमें जो मलाई आएगी उबलते उबलते, आपको उसको साइड से बीच बीच में करते रहना है पूरे टाइम, जब तक अच्छे से ना उबल जाए। और ऐसे छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में दूध को चलाते रहना है, वरना नीचे में तली में लग सकता है। फ्रेंड्स, हमारा दूध काफ़ी उबल चुका है, आधा रह गया, और एक इसके अंदर मैंने आधा कप चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूध बहुत बढ़िया से उबल चुका है हमारा। अब इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, आप इलायची पाउडर कूट के भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसी टाइम में हमें बढ़िया से इसको बीच बीच में चला देना है, एकदम छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो साइडों में जो मलाई आती जा रही है उसे निकाल के बीच में कर देना है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं आपके पास, जो आप पसंद करते हैं, वो बारीक काट के इसमें डाल लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि अच्छे से ये फूल जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। 10-15 मिनट और बीत चुके हैं, और जो है हमारा एकदम मिक्सचर बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, एकदम तैयार है ये कुल्फी जमाने के लिए। और देखिए जो स्पून के ऊपर इसकी एक लेयर जम रही है, एकदम गाढ़ी ऐसा दिख रहा है कलर, सेम इसी तरह से इसका होना चाहिए, एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। अब इसको हम नीचे गैस से उतार लेते हैं, और फ्रेंड्स ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको ठंडा करने के लिए हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो एक मोटी सी मलाई जम जाएगी इसमें, तो ठीक नहीं होगा, उसका अच्छा नहीं जमेगा। तो अब हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अब हम सारे अपने, मेरे पास मोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं छोटे छोटे ग्लासेस ले रहे हैं, तो ग्लास में डाल ले रही हूँ। आपके पास जो भी आपके पास छोटे ग्लास हैं, कप्स हैं, या किसी में भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 3 छोटे ग्लासेस लिए हैं, और ये छोटे छोटे चाय के जो कप होते हैं कागज वाले, मैंने इसमें थोड़े थोड़े से इसमें डाल दे रही हूँ, आधा आधा कप, और मिक्सचर हमारा ख़त्म हो गया है, नहीं आया है। अब इसको फॉइल पेपर से हम बहुत बढ़िया से कवर कर देंगे फ्रेंड्स, जिससे कि ना इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगा, और बहुत बढ़िया से हमें 8-10 घंटे तक इसको जमाएंगे फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में रख देंगे। और थोड़ा थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स ऊपर से रख देते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है कुल्फी, बहुत ही मज़ा आता है खाने के लिए जब ये ड्राई फ्रूट्स बीच में मुंह में आते हैं, तो इसको बहुत ही टेस्टी आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ नहीं डालिए कोई बात नहीं है। अब इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, ताकि अगर हवा जाएगी, खुला रहेगा, तो बर्फ़ जम सकती है। तो इसी तरह से उसको अच्छे से कवर कर देंगे, और देखिए हमने सारे कवर कर दिए हैं इस तरह से, और अच्छे से पैक हो गए हैं। अब इसे ये हम फ्रीज़र में रख देंगे 8-10 घंटे के लिए। और फ्रेंड्स देखिए 8-10 घंटे हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए, और ये जो हमारी, हमने इसको फॉइल पेपर हटा दिया, बहुत अच्छे से जम गए हैं। तो अब एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे, उसमें ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे, और अच्छे से घुमा के हम उसमें, मैंने इसमें पॉक डाल दिया है, और देखिए कितने बढ़िया से जमी है, बहुत बढ़िया जमी है। और इसी तरह से तीनों ग्लास को हम डीमोल्ड कर लेंगे, और देखिए हमने तीनों को अच्छे से निकाल लिया है, बहुत बढ़िया हमारी आइसक्रीम जो है, ये सॉरी कुल्फी जो है, बहुत अच्छे से जमी है। अब मैं इसे आपको दिखा देती हूँ काट के, कितनी बढ़िया जमी है, ज़रा से भी इसके अंदर बर्फ़ नहीं आई है, इतनी सॉफ्ट है, देखिए कितनी बढ़िया से जमी है, और एकदम देखिए कट एकदम नीचे तक जा रहा है। इसे मैंने फॉक लगाया हुआ है, इसलिए पूरा नहीं काट रही हूँ, और ये दिखा रही हूँ कितना स्मूथ है, कोई बर्फ़ नहीं है इसके अंदर, बहुत बढ़िया जमी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।